आज हम करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा राज्य जिसके प्रत्येक कार्य और उसकी नीतियाँ उस देश में रहने वाले लोगों के कल्याण और विकास के लिए ही होती हैं। यह सिद्धांत राज्य के क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धांत है और ये सामान्यतः उस राज्य के लिए अपनाया जाता है जहाँ पर सरकार अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, अभावों में रहने वाले व्यक्ति के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में उद्योग धंधों में वृद्धि की शुरुआत हुई। जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ने लगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। श्रमिकों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ आपस में तनाव और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। मजदूरी की दरें अत्यंत बढ़ने लग गई थी और बहुत ही कम उम्र में लोग मजदूरी करना प्रारंभ कर देते थे। उसके साथ ही उनको देने वाला पैसा भी बहुत कम था। 19वीं शताब्दी में इनकी सुधार का प्रयास किया गया। सामाजिक सुधार के लिए अनेक कानून पारित भी किए गए, जिसमें मजदूरों की न्यूनतम दर, उनकी सफाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सुधारात्मक कानूनों से श्रमिक वर्ग के शोषण पर रुकावट आने लगी। समाज के दुर्बल वर्गों के हितों के लिए राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। इस प्रकार के सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों के निर्माण के कारण ही आज जो राज्य हमें दिखाई देता है, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास हुआ। अरस्तु ने बोला कि राज्य जीवन के लिए ही अस्तित्व में आया है और सजीवन के लिए ही अस्तित्व में बना हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी इस बात की अभिव्यक्ति की गई है। बेंथम और जेएस मिल के उपयोगितावादी चिंतन में कल्याणकारी राज्य का मंतव्य निहित है, जिसमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय जिस निर्धन कानून की सृष्टि गरीबों और शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों को राहत देने के लिए की गई थी, उसमें भी जनहित की भावना ही निहित थी। फिर भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में इंग्लैंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस धारणा को हम व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण मानते हैं। कुछ इसे व्यक्तिवाद कहते हैं, कुछ प्रजातंत्र और समाजवाद के मिश्रण का रूप कहते हैं, और इसी के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। यह व्यक्तिवाद की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण भी नहीं करता और समाज की भांति अधिक से अधिक कार्य करने का कार्य करता है, उनका संपादन करता है। कल्याणकारी राज्य की धारणा के पीछे यही ध्येय है कि व्यक्ति को सुख और समृद्ध बना दिया जाए और इस हेतु राज्य आवश्यक कार्यों का संपादन करे। इस धारणा के अभ्युदय के भी कई कारण थे। पहला, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों ने इस सिद्धांत का बोलबाला था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया था और यद्भाव्यम नीति को अपना लिया था। मजदूरों की दशा दयनीय हो गई थी, पूंजीपतियों का साम्राज्य हुआ था। इस सब के कारण इस व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ और वहीं से लोक कल्याण की अवधारणा का विकास हुआ। दूसरा, मार्क्सवादी साम्यवाद का भय। कार्ल मार्क्स ने 1948 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें साम्यवादी विचारधारा से पाश्चात्य पूंजीवादी देश भयभीत हो गए। वे महसूस करने लगे कि यदि पाश्चात्य पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया तो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए पूंजीवादी देशों में और पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का विकास हुआ। तीसरा आता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का उदय। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत वह सरकार
जो जनता के लिए कार्य करती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, वह सरकार जनता के कार्यों को आवश्यक रूप से करती है और समाजवाद स्थापित करने का प्रयास करती है। समाज में एक रूपता लाने के लिए समाजवाद की धारणा का भी विकास हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और परिभाषा। कल्याणकारी राज्य की धारणा अत्यंत विस्तृत है और कोई सर्वमान्य परिभाषा इसकी नहीं है। डॉक्टर अब्राहम के शब्दों में, लोक कल्याणकारी राज्य वो समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। केंट ने कल्याणकारी राज्य को माना है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। नेहरू ने सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के अंतर को कम करना या मिटा देना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व माने हैं। आर्थर लर्सिंजर ने भी लोक कल्याणकारी राज्य को व्यवस्था माना है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करता है। संक्षेप में, एक राज्य तभी कल्याणकारी हो सकता है जब वो लोक कल्याण के विस्तृत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। इसके कुछ ध्येय इस प्रकार हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। राज्य के कार्यक्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित भी ना हो। जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करना है। न्यूनतम जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्य के ध्येय की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग भी है।